मुझे ये चीजें मिली जो बिल्कुल बंद की तरह है। ये तुमने क्या किया मेरी? ये ऑप्टिकल डिस्क होती है और उन्हें घरों चल तुमने सब खराब कर दिया। मुझे माफ करो तेरी, पर मैं तो सिर्फ खेल रहा था। वैसे ऑप्टिकल डिस्क का मतलब क्या होता है बताओगे? आशा करते हैं कि इनमें सिर का कोई मॉडल और पूर्ण डेटा नहीं हो। मेरी इन डिस्क में कंप्यूटर का ढेर सारा डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है जो उनके प्रकार का डर है। हाँ, पर तुमने तो इसे ऑप्टिकल डिस्क कहा ना, क्या उसके भी प्रकार है? मेरी उसका ऐसा होता है ना, सीडी पर के डेटा मतलब बिट्स का प्रतिनिधित्व करते हैं माइक्रोस्कोपिक होल्स और बम्स जिन्हें बिट्स और लाइन्स कहते हैं। सीडी ड्राइव में ये सारा डेटा बिल्कुल ठीक मेरी। अब मैं जरा देखूं जो तुमने खराब किया है उसमें कुछ डेटा तो नहीं? आखिर तुम देख क्या रहे हो? मुझे तो सब एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। रुको, मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये देखो, इस सॉफ्टवेयर डेटा भरा हुआ है और इसलिए ये ऐसी दिख रही है, और ये देखो ये खाली सीडी है। अब तुम ही बताओ क्या फर्क है? ओह हाँ, पता चलता है, इसमें अंधेरे जैसा कुछ भी नहीं है, मतलब इसमें डेटा नहीं है। बच गए मेरी, वे सारी डिस्क जो हमने खराब की पूरी तरह से खाली थी, मतलब सिर्फ के कुछ पैसे जरूर गए पर डेटा नहीं। मुझे लगता है हमें ये सब ठीक से रख देना चाहिए। पर मैं हमेशा सोचता हूँ कैसे कोई एक सीडी बस कुछ गाने संग्रहित करके भरी हुई दिखती है, दूसरी कोई सीडी पूरी फिल्म संग्रहित करके भी आधी भरी होती है। मेरी ऑप्टिकल डिस्क कई प्रकार की होती, जो गानों की सीडी तुम देख रहे हो उसे कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं। उसमें आमतौर पर 700 MB डेटा संग्रहित करने की क्षमता होती है, और जिस फिल्म के डिस्क का तुमने अभी उल्लेख किया उसे DVD कहते हैं। आमतौर पर उसकी क्षमता 4.7 GB होती है। वाओ, ये दोनों कितनी भिन्न है। बस इतना ही नहीं, एक नए प्रकार की डिस्क जिसे ब्लू-रे डिस्क या अतिकिरण डिस्क कहते हैं, वो 25 से 50 GB तक का डेटा संग्रहित करती है। अरे ये तो अविश्वसनीय है, पर जब दिखने में ये सब एक जैसी होती है तो इनकी क्षमता कैसे भिन्न होती है? ये भिन्नता बिट्स और लाइन्स की वजह से आती है, जो मैंने तुम्हें पहले बताया। अच्छा, जैसे जैसे तंत्रज्ञान विकसित होता गया बिट्स और लाइन्स के बीच की जगह घटती गई, जहाँ सीडी में यह जगह 800 नैनोमीटर थी, डीवीडी में यह जगह 400 नैनोमीटर की है, और ब्लू-रे डिस्क में तो ये सिर्फ 150 नैनोमीटर की है, और यही वजह है कि उसकी क्षमताएं बढ़ती जाती है। फिर डीवीडी, क्या मैं डीवीडी या ब्लू-रे डिस्क सीडी ड्राइव में डाल सकता हूँ? दुर्भाग्यवश मेरी ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि छोटे वेट्स और लाइंस को पढ़ने के लिए लेजर रीडर भी तो यथार्थ होना चाहिए, और यही वजह है कि सीडी रीडर डीवीडी या ब्लू-रे डिस्क नहीं पढ़ पाते, समझे? पर फिर डीवीडी रीडर तो सीडी पढ़ पाता है और ब्लू-रे डिस्क प्लेयर डीवीडी और सीडी दोनों पढ़ता है। हाँ, कई बार ये मुमकिन है, और उसी वजह से लोग सीडी ड्राइव नहीं खरीदते, वे डीवीडी ड्राइव खरीदने में अभी प्राधान्य देते हैं, क्योंकि ब्लू-रे ड्राइव बड़े महंगे होते हैं और शायद उसी वजह से वे ज्यादा लोकप्रिय भी नहीं है। टीवी, वैसे तो अब ये सिर्फ के कुछ काम के नहीं, तो क्या मेरा डेटा रखने के लिए मैं ये ले लूं? मुझे लगता है ये गलत होगा, और फिर जब और नया डेटा आएगा तब तुम क्या करोगे? नया डेटा भी इसी में रखूंगा। टीवी, मैं तुम्हें स्मार्ट समझता था। मेरी इन सीरीज में एक बार जो कुछ रिकॉर्ड होता है उसके बाद उस पर फिर से नहीं रिकॉर्ड किया जा सकता, और यदि तुमने ऐसी कोशिश भी की तो सारा डेटा नष्ट हो जाएगा। मतलब ऐसी कोई भी ऑप्टिकल डिस्क नहीं है जिसे हम फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी हार्ड ड्राइव या पेन ड्राइव की तरह? है ना, उन्हें रीराइटेबल डिस्क कहते हैं, पर वह महंगी भी होती है और उन्हें ज्यादा इस्तेमाल करने से डेटा नष्ट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दुर्भाग्यवश ये रीराइटेबल नहीं है। ठीक है, ऐसे सोचना भी मना है।